नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर सीखो हिंदी में। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है मोटो E4 प्लस या मोटो E4 और आप इसको करना चाहते हैं हार्ड रीसेट, तो कैसे कर सकते हैं आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसको हार्ड रीसेट करने के लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन, इन दोनों बटनों को एक साथ दबाना है कुछ सेकेंड के लिए। जैसे ही आपको डिस्प्ले पे कोई लोगो शो होगा तब आपको ये पावर बटन छोड़ देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अप एंड डाउन की मदद से आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है फैक्ट्री मोड। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री मोड यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर पावर ऑन ऑफ की बटन की मदद से इसको ओके कर देना है। देखिए दोस्तों, जब इसको ओके कर देंगे तो इस तरीके से आपके लोगो आएगा और यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गए हैं। जैसा कि अब आपको वॉल्यूम डाउन की मदद से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि EMMC लिखा हुआ है, इस पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन की मदद से ओके कर देना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाटा इरेज होना शुरू हो गया है हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम अपने मोटो के मोबाइल को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। अब थोड़ी देर में आपको फोन चालू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो चली प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।